नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में कोरोना के मिले 488 नए मामले। इस महीने बढ़ेगा सरकारी बस का किराया। अब जमीन का म्यूटेशन होगा ऑनलाइन ऐप के जरिए। शिक्षकों को अप्रैल से मिलने वाला है वेतन वृद्धि का लाभ। सचिन तेंदुलकर हुए अस्पताल में भर्ती। तो चलिए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। अब बिहार में जमीन का म्यूटेशन होगा ऑनलाइन ऐप के जरिए। राज्य के लोगों को अब जमीन या फ्लैट के म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज के लिए अब दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने इस समस्या को आसान तरीके से निपटाने के लिए एक ऑनलाइन म्यूटेशन एप्लीकेशन ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम ऑनलाइन सोमोटो म्यूटेशन ऐप है। इसके तहत देश के किसी भी कोने से दाखिल खारिज की ऑनलाइन रसीद कटवाकर ऑनलाइन पेमेंट करने की सुविधा मिलेगी। यह ऐप ये भी बताएगा कि दाखिल खारिज कहां अटका है और कर्मचारी के पास 35 दिन से ज्यादा अटकने पर सीधे सीओ को एसएमएस चला जाएगा। इस ऐप के शुरू हो जाने से अब म्यूटेशन की लंबी प्रक्रिया से लोगों को राहत मिलेगी और विभाग का दावा है कि इस पहल से राज्य में जमीन विवाद के बढ़ते मामलों को रोकने में भी सफलता मिलेगी। राज्य में 8 नए आईएएस अफसरों की हुई पोस्टिंग। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 8 नए अधिकारियों की तैनाती बिहार के अलग अलग जिलों में की गई है। मसूरी में स्थित LBSNAA में ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इन आईएएस अधिकारियों को राज्य के विभिन्न जिलों में मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किया गया है। इस क्रम में पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया, नालंदा, पूर्णिया, दरभंगा और बेतिया जिले में साल 2020 बैच के अधिकारियों को सहायक समाहर्ता और सहायक दंडाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। आईएएस प्रदीप सिंह को पटना, श्रेष्ठ अनुपम को मुजफ्फरपुर, चंद्रिमा अत्री को भागलपुर, अनुपमा सिंह को गया, श्रीकांत कुंडलिक खांडेकर को नालंदा, कुमार निशांत विवेक को पूर्णिया, अभिषेक पलासिया को दरभंगा और सेतु माधवन एस को पश्चिम चंपारण जिला के बेतिया में कार्यपालक दंडाधिकारी के रूप में पदस्थापित किया गया है। बिहार में कोरोना के मिले 450 से ज्यादा मामले। बिहार में कोरोना की बढ़ती रफ्तार लोगों को सहमा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 488 नए मामले सामने आए हैं। यह आंकड़ा पिछले दिन के आंकड़े से सीधे दोगुना बढ़ गया है। वहीं प्रभावित टॉप 3 जिलों की बात करें तो राजधानी पटना में 174 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही समस्तीपुर में 56 और गया में 19 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 158 मरीज ठीक हो गए हैं, जिसके बाद ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2,62,529 पर पहुंच गई है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 1,907 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम रिकवरी दर की बात करें तो यह 98.69% है। शिक्षकों के वेतन में इस महीने से होगी बढ़ोतरी। बिहार के करीब 4 लाख शिक्षकों को अप्रैल महीने से बढ़ी हुई सैलरी का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने नियोजित शिक्षकों के हड़ताल के दौरान पिछले ही साल यह घोषणा की थी कि 1 अप्रैल से शिक्षकों के वेतन में 15% की बढ़ोतरी की जाएगी। इस क्रम में माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिलों के डीपीओ को पत्र लिखकर हाईस्कूल और इंटर स्कूलों के शिक्षक और लाइब्रेरियन की संख्या और उनकी सैलरी डिमांड को 10 अप्रैल तक भेजने का निर्देश दिया है। साथ ही प्राथमिक शिक्षा निदेशालय भी इस दिशा में काम कर रही है। जानकारी के मुताबिक अप्रैल से शिक्षकों की सैलरी को एक खास सॉफ्टवेयर की मदद से जारी किया जाएगा। वहीं नए वेतन में पिछले सैलरी से कम 3,000 से 4,000 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में हुई बिहार सरकार की फजीहत। बिहार सरकार को एक मामले में भारत के सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की एक अपील को खारिज कर दिया है और अदालत का समय बर्बाद करने के लिए राज्य सरकार पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल बिहार सरकार एक कर्मचारी की बर्खास्तगी के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। सरकार ने पटना हाई कोर्ट में इसी मामले में दायर याचिका में आपसी समझौता कर दिया था, जिसके बाद बर्खास्त कर्मचारी और सरकार के बीच आपसी सहमति होने के बाद पटना हाई कोर्ट ने इस मामले को निपटा दिया था। लेकिन बाद में बिहार सरकार ने हाई कोर्ट में समझौता करने के बाद भी आदेश के खिलाफ पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दाखिल कर दिया। वहीं इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मामले में आपसी समझौते के बाद भी विशेष अनुमति याचिका दायर करने का कोई मतलब नहीं है। डाक विभाग घर घर पहुंचाएगा शाही लीची और आम। आम लोगों के लिए डाक विभाग मुजफ्फरपुर की शाही लीची और भागलपुर का मशहूर जरदालू आम को घर घर तक पहुंचाने की तैयारी कर रहा है। पिछले साल लॉकडाउन के दौरान भी डाक विभाग ने घर घर लीची और आम को पहुंचाया था। इस बार भी कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए विभाग इस योजना पर काम कर रहा है। इस संबंध में डाक विभाग के अधिकारी बागवानी विभाग से बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार सरकार हर थाली में बिहार का एक व्यंजन पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। इस पहल से इस अभियान में भी मदद मिलेगी। इसके तहत कोई भी लोग डाक विभाग के जरिए ऑनलाइन ऑर्डर कर मुजफ्फरपुर की शाही लीची और भागलपुर के आम को घर बैठे मंगवा सकते हैं।
प्राइवेट बसों के बाद अब सरकारी बसों का बढ़ेगा किराया। अब बस यात्रियों को अपनी जेब और भी ढीली करनी पड़ेगी। बिहार में इसी महीने सरकारी बसों का किराया बढ़ने वाला है। इसके तहत राज्य में डीजल से चलने वाले सभी सरकारी बसों का भाड़ा बढ़ेगा। इस क्रम में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने बसों का किराया बढ़ाने का प्रस्ताव परिवहन विभाग को दिया है। जल्द ही कमेटी के द्वारा बढ़े हुए भाड़े का निर्धारण कर अप्रैल से ही लागू कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि हाल ही में 15 दिन पहले निजी बसों के भाड़े को भी 20% बढ़ाया गया था। वहीं अब डीजल के बढ़ते दाम के कारण सरकारी बसों के भाड़े को भी बढ़ाया जा रहा है। हालांकि सरकार यात्रियों की समस्या को समझते हुए हर पहलू पर विचार करने के बाद ही फैसला लेगी। अवैध खनन करने वाले पर सरकार कसेगी शिकंजा। बिहार में पत्थर, बालू सहित अन्य तरह के अवैध खनन करने वालों की अब खैर नहीं होगी। खनन एवं भूतत्व विभाग इसके लिए प्रावधान करने जा रहा है। इसके तहत बालू सहित कुछ भी अवैध खनन करने पर विभाग ऐसे वाहनों को जब्त कर लेगा। अब तक इस काम में पुलिस या परिवहन विभाग की सहायता लेनी पड़ती है। नए नियम तैयार होने के बाद यह बाध्यता खत्म हो जाएगी। इसके तहत ट्रक, जेसीबी या कोई भी वाहन खनन करते हुए पाए गए तो विभाग उसकी जब्ती कर उसे नीलाम भी कर देगा। सरकार का कहना है कि हर हाल में अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए यह प्रावधान किया जा रहा है। बिहार राज्य मदरसा बोर्ड ने 8वीं का रिजल्ट किया जारी। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड ने वर्ग वस्तानिया यानी कि 8वीं का परिणाम घोषित कर दिया है। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष अब्दुल कयूम अंसारी ने बोर्ड की वेबसाइट पर रिजल्ट को जारी कर दिया है। इस बार परीक्षा में कुल 108,191 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिसमें से 105,591 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। बोर्ड अध्यक्ष की माने तो वस्तानिया में ग्रेड ए श्रेणी में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 34,808 है। इनमें से 13,087 छात्र और 21,721 छात्राएं शामिल हैं। इस बार कुल 71 गैर मुस्लिम परीक्षार्थी शामिल हुए हैं, जिसमें से 26 छात्र और 45 छात्राएं हैं। मौसम विभाग ने दी लू चलने की चेतावनी। बिहार में लगातार अधिकतम तापमान में वृद्धि हो रही है, जिस वजह से गर्मी का एहसास हो रहा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम काफी शुष्क रहा। इस साल मार्च महीने का सबसे गर्म दिन 30 मार्च रहा, जिसमें अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भाग में अगले 48 घंटों के बाद लू चलने की स्थिति बन सकती है। इसके साथ ही इस सप्ताह राज्य में अधिकतम तापमान भी 37 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। आज से शुरू हो गई पटना से दरभंगा के बीच इलेक्ट्रिक बस सेवा। राजधानी पटना से दरभंगा का सफर आज से ज्यादा आसान और आरामदायक बन चुका है। इस रूट के लिए खास इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन को आज से शुरू कर दिया गया है। यह बस एसी के साथ ही अन्य सुविधाओं से लैस है और बिजली से चलने के कारण यह प्रदूषण को रोकने में भी सहायक है। आपको बता दें कि इन बसों को बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से चलाया जा रहा है। ये बसें पटना के बाकीपुर पड़ाव से रोज सुबह 7:30 बजे खुलेंगी और मीठापुर बस स्टैंड होते हुए मुजफ्फरपुर के लिए रवाना होंगी। उसके बाद यहां से चलकर यह बस 2 बजे दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचेगी। बिहार में राकेश टिकैत पर हुआ परिवाद दायर। राज्य के मुजफ्फरपुर जिले में किसान नेता राकेश टिकैत के खिलाफ परिवाद को दायर किया गया है। 3 नए कृषि कानून का खुले आम विरोध करने वाले राकेश टिकैत पर मुजफ्फरपुर कोर्ट में अधिवक्ता सुधीर ओझा ने परिवाद दर्ज किया है, जिसमें आईपीसी की धारा 504, 506, 153 ए, 153 बी और 160 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में कोर्ट 8 अप्रैल को सुनवाई करेगी। दरअसल किसान नेता राकेश टिकैत ने राजस्थान में किसानों के महापंचायत के दौरान खुलेआम धमकी देते हुए कहा था कि सरकार कृषि कानून को वापस नहीं लेती है तो 16 राज्यों में लोगों को बिजली से वंचित करा दिया जाएगा। इसी से चिंतित होकर अधिवक्ता ने उनके खिलाफ परिवाद दर्ज कराया है। रेरा ने ठगी करने वाले बिल्डरों पर लिया कड़ा एक्शन। रेरा ने हाल ही में कई कंस्ट्रक्शन कंपनी पर शिकंजा कसा है। बिना रजिस्ट्रेशन के अपार्टमेंट बनाने वाली कंपनियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए बिक्री और प्रचार दोनों पर रेरा ने रोक लगाई है। वहीं अब बड़ी कार्रवाई करते हुए पटना के यूथ होम्स एंड डेवलपर्स पर रेरा ने नोटिस भेजकर 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। आदेश में कहा गया है कि इस कंपनी ने बिना रेरा से निबंधन किए न्यूयॉर्क हैमलेट पतूत आईआईटी बिहटा में निर्माण, प्रचार और फ्लैट बुकिंग का काम शुरू किया है। कंस्ट्रक्शन कंपनी का यह रवैया पूरी तरह से रेरा कानूनों का उल्लंघन किया है। रेरा ने कंपनी के निदेशक से 2 हफ्तों में शो कॉज नोटिस का जवाब मांगा है। जवाब नहीं देने पर कंपनी पर एक तरफा कार्रवाई की जाएगी। सचिन तेंदुलकर हुए अस्पताल में भर्ती। भारत के दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हाल ही में कोरोना पॉजिटिव हुए थे, वहीं अब उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। बात की जानकारी खुद मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने ट्विटर पर दी है। सचिन ने फैंस के नाम ट्वीट कर लिखा कि आप सभी की प्रार्थनाओं के लिए शुक्रिया। मेडिकल एडवाइस के बाद एहतियात के तौर पर मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। आप सभी अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहें। आपको बता दें कि हाल ही में सचिन रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में खेलते हुए नजर आए थे। इस टूर्नामेंट में सचिन समेत 4 खिलाड़ी कोविड टेस्ट में पॉजिटिव पाए जा चुके हैं।
टाइगर 3 की शूटिंग के साथ ही सलमान करेंगे फिल्म राधे का प्रमोशन। सलमान खान इस समय टाइगर 3 की शूटिंग कर रहे हैं, जो कि उनके सबसे बहुप्रतीक्षित फ्रेंचाइजी में से एक है। अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सलमान खान मुंबई में टाइगर 3 की शूटिंग का शेड्यूल पूरा करने और ईद पर रिलीज होने वाली अपनी फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई के लिए प्रचार को एक साथ मैनेज करने वाले हैं। दरअसल राधे योर मोस्ट वांटेड भाई 13 मई को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी और इसका प्रमोशन अप्रैल के अंत में शुरू होगा। दूसरी ओर टाइगर 3 की शूटिंग भी मई के अंत तक जारी रहेगी। वहीं इस क्रम में सलमान खान की टीम ने कोविड मामलों में वृद्धि को देखते हुए फिल्म राधे के प्रचार के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतने के लिए सभी योजनाएं भी तैयार रखी हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार बिहार में किन किन शहरों के बीच इलेक्ट्रिक बसों की सेवा शुरू किया जाना चाहिए। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े लेटेस्ट अपडेट को देखते रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।